आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। रविवार 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवनी पहुंचे। सिवनी शहर में तीसरा प्रधानमंत्री रहते हुए कोई शख्सियत पहुंची है। सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए आई थी, उनके द्वारा जहां राशि लॉन है वहां पर उनके द्वारा सभा को संबोधित किया गया था। उसके उपरांत 1993 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रहते हुए वे सिवनी आए और उनके द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया गया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए सिवनी आए, पर उनकी सभा लखनादौन में हुई थी। और उसके बाद अब तीसरा कोई प्रधानमंत्री सिवनी शहर पहुंचा है। नरेंद्र मोदी सिवनी पहुंचे और यहां नरेंद्र मोदी का आप देखिए हेलीकॉप्टर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मंडला रोड और कटंगी रोड के बीच बने हुए एक स्थान पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में महिलाओं की तादाद आपको दिखाई दे रही होगी, जबरदस्त तरीके से यहां पर भीड़ दिख रही है, महिलाएं दिख रही हैं। इस पूरे आयोजन में सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिडोरी के अलावा नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, बैतूल, इस तरह अगर आप देखें तो 7-8 जिलों के प्रत्याशी और 7-8 जिलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे। लगभग 50,000 की तादाद में यहां पर भीड़ पहुंची होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लोगों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त तरीके से है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, वैसे सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल, लगभग 7 जिलों से यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। और 7 जिलों से जो कार्यकर्ता यहां पहुंचे वो यह देखिए नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 7 जिलों से लगभग 50,000 की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक यहाँ पर, विधायक प्रत्याशी मंच पर दिखाई दिए। और अगर 1 दर्जन से ज़्यादा दिखाई दिए तो 50,000 के लगभग भीड़ रही, तो एक एक प्रत्याशी 4,000 के लगभग, अगर उसको आप 50,000 को 12 से भी अगर भाग देंगे तो 4,000 के लगभग एक प्रत्याशी के खाते में आएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये एक अनुमान, मोटा मोटा अनुमान लगाकर हमने आपको बताया। और जो भीड़, दावा चाहे जो भी करे कि कितनी भीड़ थी, पर दावा कितना सच है कहना मुश्किल है। 50,000 के लगभग भीड़ यहाँ पर दिखाई दी, जो लोगों का अनुमान था उस हिसाब से। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस जो यहाँ श्रोता थे, जो पहुँचे थे नरेंद्र मोदी को देखने, उसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा थी, जो एकदम आश्चर्य की बात यहाँ पर लोगों के जहन में जो एक आश्चर्य आए का प्रश्न घूमड़ा। महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, अर्थात नरेंद्र मोदी घर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। इसका कारण क्या है ये तो शोध का विषय माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की सरकार में लगे, मनमोहन सिंह की सरकार में लगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी के सरकार के ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगते आए हैं, पर उस सबके बाद भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा कमी नज़र नहीं आ रही है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मानी जा सकती है। इसके अलावा एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री आपको बैठे दिखाई दे रहे होंगे, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। दोनों विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं पर केंद्रीय मंत्री हैं, और अब जगह जगह वे सभाएं कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा तो सिवनी, लखनादौन, केवलारी, बरघाट, हर जगह जाकर, सिवनी जिले की चारों विधानसभाओं में जाकर उनके द्वारा सभाएं की गई हैं, नामांकन दाखिल कराए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा उत्तर प्रदेश के एक मंत्री भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी प्रदेश स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का कोई चेहरा या स्टार प्रचारक अभी तक नहीं पहुंच सका है, जो एक बड़ी बात मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। प्रत्याशी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रचार में कुछ ऐसा लग रहा है कि बढ़त चुकी, स्टार प्रचारक आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के आने से प्रचार में उनकी बढ़त मानी जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी ऐसा स्टार प्रचारक सिवनी शहर नहीं पहुंचा है। सिवनी शहर के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं पहुंच पाया है। अब आज 5 नवंबर हो गई है और इसके बाद 5 दिन, धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, प्रथमा और द्वितीया, 5 दिन तक त्यौहार, दीपावली का त्यौहार जो सनातन धर्म का बड़ा त्यौहार माना जाता है, मुख्य त्यौहार माना जाता है, 5 दिन तक ये त्यौहार चलने की उम्मीद है। और जो किसान वर्ग है वो अपने खेतों में ही ज़्यादातर अब समय बिता रहे हैं क्योंकि कटाई का उनका सीजन आ चुका है। इसके साथ ही अब 5 दिन चूंकि त्यौहार के रहेंगे और अब 5 तारीख से अगर आप गणना करें तो लगभग 12 दिन बचे हैं मतदान में, जिनमें से 5 दिन अगर आप निकाल देते हैं तो 7 दिन का चुनाव प्रचार बहुत तेजी से प्रत्याशियों को करना पड़ सकता है। कौन कितना लुभा पाता है ये तो 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना के समय ही पता लगेगा। 17 नवंबर को मतदान का उपयोग, मतदान जरूर कीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।